भाई में अपनी बात को रखें। हेलो दोस्तों, राहुल गांधी के स्वागत में रास्ते के किनारे किनारे जगह जगह पर उनके स्वागत में लोगों ने खुशी के साथ नाश्ते खाते उनका स्वागत किया। देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पोस्टर लिए इस तरह के पोस्टर पूरे रास्ते में लगा हुआ था। ये कोई त्यौहार से कम नहीं था लोगों के लिए। बहुत ही खुशी नाश्ते कूदते स्वागत के लिए देख सकते हैं आप लोग। स्वागत में देख सकते हैं आदिवासियों का स्वागत। ये सिर्फ एक जगह का सीन आपको दिखा रहे हैं, पूरे रास्ते में लोगों ने इस प्रकार का स्वागत में ये कार्यक्रम रखा। देख सकते हैं रास्ते किनारे किनारे महिलाओं द्वारा उनके स्वागत में बैनर लिए खड़े हैं। ये कार्यक्रम शहीद मैदान हुआ था। राहुल गांधी जी करीब 3 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे और अपने भाषण से लोगों को वहाँ पे भाषण दिए। आगे उनका वीडियो है भाषण का, आप देख सकते हैं।
सकते, जो छोटी काली गाड़ी है उसी में राहुल गांधी जी हैं। वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा लेट हो गया। उनके पीछे देख सकते हैं लोगों की भीड़। रास्ते नाचते नाचते शहीद मैदान की ओर जाते हुए रास्ते के किनारे कितना भीड़ है राहुल गांधी को देखने के लिए। भारत जोड़ो का पोस्टर लगा के लोग पहुंचे थे शहीद मैदान के नज़दीक का सीन देख सकते हैं। घुसने के लिए पूरा सिक्योरिटी स्कैनर था, देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनर के सब लोग अंदर प्रवेश कर रहे थे। अभी कुछ ही देर में आप लोग राहुल गांधी जी का भाषण सुने के वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए, राहुल जी का भाषण देखने को मिलेगा। शब्द ज्यादा है और इस शब्द को इस शब्द को देश में आज बहुत अच्छी तरह समझा जा रहा है। ये जो एचईसी के पोस्टर लिए हैं, आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, जोर से बोलो। दिल्ली को सुनाई देना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं। सही बताइए, एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर ला गया है। इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और भाइयों और बहनों, आज एचईसी के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर
स्टेट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं। BHEL, HEL, HEC, क्योंकि मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आस्ते 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 मार कर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है। भाइयों बहनों, BHEL नहीं, HEL नहीं, HEC नहीं, इंडियन ऑयल नहीं, अदानी, अदानी वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है, अदानी का नाम HEC पे नहीं लगेगा और नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है, ये अदानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। भाई और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में आगे बढ़ जाते OBC वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो। नहीं पता किसी को, मुझे नंबर दो, कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? इतने पिछड़े लोग हैं। भाई और बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% OBC वर्ग के लोग हैं, सही बात है? और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहाँ आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको ये बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये जो HEC के लोगों को कम किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी है, ये दलित है, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस HEC को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब OBC को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। माथा खराब यार, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये दलितों से गलत हो जो तुम, आदिवासियों से, पिछड़ों से,
गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है, ये हो रहा है। खुल के मार दिए उसको, मार दे भी जा। आप देखिए, किसी दिन आप अडानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए। अडानी चोर है, मैं आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। और इसको, इस एक व्यक्ति को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, स्टोरेज की फैसिलिटी, सोलर पावर, विंड पावर, जो भी ये व्यक्ति चाहता है इसको मिल जाता है। मोदी बहुरूपिया है, बहुरूपिया है। ये डिफेंस में मोदी पनौती, देश की रक्षा, आदिवासी कितने हैं आपको एक नहीं मिलने वाला। फिर आप जाइए हिंदुस्तान की सरकार में, जाइए 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। आईएएस ऑफिसर है, पूरे के पूरे बजट को ये कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 10 रुपए खर्च करती है, ढकेल रहा है यार उधर तो रुपए कहाँ खर्च। इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। और एक और बात समझिए, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हम जो दलित है, आदिवासी भाई है, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ, और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और इससे बड़ा मुद्दा है ही नहीं। सामाजिक अन्याय कीजिएगा, और इसी से जुड़ा हुआ आर्थिक अन्याय दिक्कत है नीचे करने में। आप मुझे बताइए, जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहाँ पे। नहीं नहीं, हाथ नीचे करो। यहाँ पे एक व्यक्ति जिसको जीएसटी से फायदा हुआ हो, मुझे दिखा दो कौन है। अंबानी को फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ, देश के अमीर लोगों को फायदा हुआ, ये एजेसी में जो काम करते हैं इनका जबरदस्त नुकसान हुआ? जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अमीर लोग नहीं देते, जीएसटी वो मजदूर देता है जो 200 किलो को धकेल रहा था। वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है, अंबानी देता है। वो शर्ट खरीदता है उतनी ही जीएसटी लगती है जितनी अदानी जी की शर्ट को लगती है। तो पैसा कहां से जा रहा है? बजट का पैसा कहां से जा रहा है? जनता, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी से। और जा कहां रहा है? अरबपतियों की जेब में, अदानी की जेब में, इन लोगों की जेब में। इसीलिए देश में भयंकर बेरोजगारी फैल गई है। इन्होंने क्या किया? सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। बिल्कुल, छोटा बिजनेस करते थे, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस करते थे उनको सबको मार दिया। दो हथियार का प्रयोग किया इन्होंने। पहले प्रधानमंत्री ने झूठ बोला और कहा
कि मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ और नोटबंदी कर दी। नोटबंदी ने हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, उड़ा दिया। बिल्कुल राहुल गांधी, ये अदानी जी के लिए काम किया, उसके बाद जीएसटी लागू कर दी। नतीजा हुआ कि आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार पा ही नहीं सकता। जितना भी ढूंढना है ढूंढ लो। मैं झारखंड के युवाओं से कह रहा हूँ, देश के बाकी युवाओं से कह रहा हूँ, जितना आपको ढूंढना है ढूंढो। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज के बाद, छोटे बिजनेसेस है ही नहीं, ये देश की रीढ़ की हड्डी है, ये बेरोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया। तो जब तक दिल्ली की सरकार नहीं बदलेगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। सीधी बात है, ओबीसी हैं, आप पिछड़े वर्ग के हैं, तो आप ऐसे करिए, अंबानी का जाति जनगणना लागू कर दीजिए, देश को बता दीजिए कि आप जैसे पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। बिल्कुल। उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, एक इंच जगह देश में जा रहे हैं, दो ही जात है, एक अमीर है और एक गरीब है। कि देखिए, नफरत से, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। कुछ नहीं होने वाला। बेरोजगारी फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी, यही होने वाला है। और ये आपको पिछले 10 साल में दिखा है, जितनी नफरत बढ़ती है, जितनी हिंसा बढ़ती है, उतनी बेरोजगारी बढ़ती है, उतनी महंगाई बढ़ती है, उतना पैसा अडानी जी का बनता है। वही बात, तो ये हो क्या रहा है? ये आपको लड़ाते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं और आपसे कहते हैं, देखो, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ो, एक जात दूसरी जात से लड़ो, एक भाषा दूसरी भाषा से लड़ो, समाज में हिंसा फैलाते हैं और फिर आपकी जेब में से आपका पैसा उठा के अदानी जी की जेब में कर देते हैं। बिल्कुल, यही हो रहा है। बिल्कुल सही। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपकी सरकार को ये क्यों हटाए? क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल, ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने जिंदाबाद हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सब मिलकर बिल्कुल इनके सामने एक लाइन में खड़े हो गए। जाएगा तो नहीं लगेगा। और क्या हुआ? बोलिए बोलिए, सरकार बच गई। ये राहुल गांधी जिंदाबाद। लोकतंत्र की जो आवाज है उसको कभी नहीं दबने देगा। तो आप सब यहाँ आए, आपने इतनी हमारी मदद की, सड़कों पे लाखों लोग निकले, मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है,
आप संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो। आखिरी बात, नहीं नहीं बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं देखो सरना कोर्ट देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। धन्यवाद। जय हिंद। अरे पब्लिक खाली।